तो मैं जी दिल्ली के सबसे बड़े मतलब वर्ल्ड के सबसे बड़े ट्रेड फेयर को देखने के लिए दिल्ली में। यहाँ पे ना यार मतलब मैं तो जब छोटा था ना यार मतलब फिफ्थ क्लास में था तब मैं स्कूल के ट्रिप में आया था पानीपत से दिल्ली आया था स्पेशल ट्रेड फेयर देखने। उसके बाद मुझे अब मौका मिला ट्रेड फेयर देखने का। बट आज फ्राइडे का दिन है, वीकडेज चल रहे हैं, देख लो वीकेंड नहीं है वीकडेज। और क्राउड मैं आपको दिखाऊंगा ना, अभी मैं मेट्रो स्टेशन से एग्जिट हुआ हूँ, मेट्रो स्टेशन से एग्जिट होने के बाद आपको क्राउड पता चल जाएगा कि भाई साहब यहाँ पे ट्रेड फेयर देखने के लिए दीवानगी कितनी है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं ट्रेड फेयर 2023, दिखाते हैं वहाँ पे क्या क्या है। और पहले तो क्राउड देखो, क्राउड कितना जा रहा है ट्रेड फेयर की ओर, दिखाता हूँ आपको। तो ये देख लो, ये मेट्रो स्टेशन से एग्जिट कर रहे हैं, सीधा ये जो रास्ता जा रहा है ट्रेड फेयर की तरफ जा रहा है। ये देखो और क्राउड देखो यार। तो गाइज अगर आप देखने आ रहे हैं ट्रेड फेयर ना, तो यहाँ पर ना ऑप्शन दिया हुआ है, क्यों मैं आपको खड़े होने की जरूरत नहीं है, मतलब लंबी लाइन जो लगी हुई ना, आप क्राउड देख लो कितना क्राउड है। तो क्राउड के साथ लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे QR कोड दिया हुआ है, यहाँ पे आओ कोड स्कैन करो और आपको टिकट आपके मोबाइल में मिल जाएगी। तो आप इसको शो करके आप एंट्री ले सकते हो ट्रेड फेयर में। तो चलते हैं आपको दिखाते हैं ट्रेड फेयर में क्या क्या है। सो ये है जी 42nd है ना इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, जो कि दिल्ली में लगा हुआ है। आई थिंक इससे बड़ा ट्रेड फेयर कहीं पे नहीं हो सकता। ट्रेड फेयर में एंट्री करने के बाद ना यहाँ पे होल वाइज आपको डिटेल दी हुई है। अगर कहीं पे जैसे आपको दिल्ली जम्मू कश्मीर के स्टॉल देखने हैं तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे सारे दिए हुए हैं देखो। पहले हम लोग एंट्री लेने जा रहे हैं जी 12A में, है ना, दिखाते हैं आपको यहाँ पे अंदर क्या क्या है। देखो सबसे पहले आ गया जी फेमस ऑफ गुजरात रोस्टेड नमकीन, है ना, ये देखो सबसे ज्यादा फेमस क्या है भैया गुजरात की नमकीन में, सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा चलता है। फाफड़े का टेस्ट कराओ थोड़ा सा, ये है ना फाफड़ा भी, ये क्या है साथ में जेठालाल फाफड़ा भाई साहब। तो यहाँ जेठालाल फाफड़ा जो अचार का टेस्ट है ना, जो उन्होंने फाफड़े के साथ अचार दिया खा के मजा आ गया यार। तो ये देखो आप क्राउड देख सकते हो अंदर, और ये सारे स्टोर लगे हुए देखो। स्टोर है केरला का, केरला का, अच्छा अच्छा, चिप्स में काफी ऑप्शन है इनके पास देखो, केरला की आइटम है, लगी आइटम है ये देखो। ये क्या चीज होता है, हलवा, गुड़ वाला है, तो ये गुड़ फ्लेवर है, ये कुछ यूनिक लग रहा है देखो। इनके पास ना बॉक्सेस हैं, तो आप इनके पास आके ले सकते हो यार। ये देखो करने जा रहा हूँ केरला का हलवा, तो इनके पास काफी आइटम थी, बनाना चिप्स वगैरह भी थे। ये इनका केरला का हलवा है जो की गुड़ फ्लेवर में है, मतलब इसमें गुड़ एडिड है। ये देखो तो ये टेस्ट देखते हैं कैसे। आइटम तो जितने भी आपको दिखेंगे ना यहाँ पे यूनिक आइटम के लिए लोग। तो ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पे क्लोथ्स में भी काफी कुछ है। तो कौन कौन सा अचार है, ये देर का अचार है, ड्राई फ्रूट चटनी है, का। तो इस अचार के अलावा और भी काफी आइटम है इनके पास, आप देख सकते हो। कौन से फ्लेवर है, स्पाइसी ब्लैक पेपर सॉल्ट। ये कौन सा है, सॉलिड, ये होता है यार, ये जो है ना ये वाला बड़ा मस्त लगता है मेरे को फ्लेवर। ये गोवा काजू है ना, यहाँ पे भी काफी कुछ है, शो पीस आप इसे कह सकते हो। ये जो स्टॉल देख रहे हो ये भी नागालैंड का स्टॉल है, ये देखो। सो ये है वाइन, आप देख रहे हो काफी फ्लेवर्स में वाइन भी है यहाँ पे। सो दिस इज मैन्युफैक्चरिंग इन नागालैंड। सो ये जो वाइन है ये नागालैंड में मैन्युफैक्चर होती है, और यहाँ पे इसके प्राइस देखे हुए। और जहाँ से हम हैं जी नोएडा से, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का क्या लगा हुआ है यहाँ पे बेडशीट्स वगैरह। मैं यहाँ पे ना एक चीज बहुत मिस कर रहा हूँ, हमारा पानीपत का स्टॉल होना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पे बेडशीट्स जो मिलती है ना यार 150-200 से स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ पे तो ना यार मतलब मैं नोएडा में मैंने एक बार बाय की थी और 1000 रुपये की बेडशीट स्टार्ट, 550-600 वाली जो 500 की बढ़िया मिलती है ना शीट, वो वहाँ पे 1000 रुपीज की मिलती थी, तो वो मैं मिस करता हूँ बहुत। तो ये यहाँ पे जो स्टॉल लगा हुआ है, लगा हुआ है गुजरात का, ये देखो गुजरात का, ये सारे तो ये कुछ ना हैंडक्राफ्ट आइटम्स बेच रहे हैं। देखो किसे बना रहे हो आंटी, घोसला। हाँ, किस चीज से, नारियल के छिलका, नारियल छिलके से, क्या बात है। ये देखो ये साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, और भी काफी टॉयज जो है वो नारियल के छिलके से बनाए हुए हैं। देखो ड्रेस, ये देखो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इजिप्ट, ईरान, नेपाल, ओमान, थाईलैंड, यहाँ पे लेके चलते हैं आपको, यहाँ पे दिखाते हैं इनके फेमस क्या क्या है। चलो जी, तो सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ थाईलैंड में। थाईलैंड जाने की जरूरत नहीं है भैया, यहाँ पे मिल रहा सारा कुछ थाईलैंड का। ये देखो ये सब थाईलैंड का है, ये पूरा जो स्टॉल देख रहे हो ना, अब ये एंट्री करते पूरा थाईलैंड का है। ये देखो क्राउड बड़ा है यार थाईलैंड में, वैसे लोग जाते भी बहुत है थाईलैंड में, पता नहीं किस लिए जाते हैं इतने लोग थाईलैंड।
थाईलैंड वाले स्टॉल में जो एंट्री की है ना हमने, यहाँ पे बहुत क्राउड है। थाईलैंड में ऐसा क्या मतलब कि कम प्राइस में मिलता है क्या थाईलैंड में, इसीलिए हो सकता है, देखते हैं। ये जो स्टॉल है आप देख रहे हो, तान बुल टर्की का स्टॉल है भाई, ये देखो इनके इनकी क्या रहती है चीजें। ये लैंप है, लैंप है। ड्राई फ्रूट्स वगैरह है इनके पास। और ये जो आप स्टॉल देख रहे हो वो है ईरान का, ये देखो ईरान में क्या क्या रहता है, ये देखो स्टॉल है, ये है अफगानिस्तान का, ड्राई फ्रूट्स ऑफ अफगानिस्तान। तो देखो सेकंड फ्लोर से आने के बाद ना ये क्राउड देखो, सेकंड फ्लोर पे आने के बाद ना ये क्राउड देखो, क्राउड चेक करो, ये फूड कोर्ट का क्राउड है ये देखो। और बाकी ये जो अलग अलग जो होल बने हुए वो तो अलग है। ये अभी हम आए हुए जी गुजरात, लेके चल रहा हूँ आपको होल नंबर दो में। यहाँ पे हमारे योगी जी की वीडियो चलाई हुई है, ये उत्तर प्रदेश का स्टॉल है। ये देखो अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ होल नंबर सेवन में, देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पर ना कुछ टोए दिखे हैं और इस टोए को ना पानी में डालने की बात करता है वो, थोड़ा सा पानी आ गया। अच्छा अच्छा चेक करते हैं इसका साउंड कैसे आ रहा है भैया, चिड़िया वाला भी तो नॉर्मल साउंड आ रहा था, पहले मैंने प्ले किया नॉर्मल साउंड आ रहा था। ओ क्या है ये, तो पानी मेरे ऊपर ही आ गया, ज्यादा हो गया, क्या पता। तो इसमें ना पानी डालने के बाद ना चिड़िया वाला साउंड आता है, पहले मैं प्ले कर रहा था इसको तो नॉर्मल साउंड आ रहा था। कुछ तो ये भी कुछ स्टोर लगे हुए हैं यार, ये देखो मतलब इतना बड़ा है ना यार, तुम घूमते घूमते पागल हो जाओगे ट्रेड फेयर में, इतना बड़ा है। तो मतलब हो सकता है मैं तो 10% भी आपको कवर करके ना दिखा रहा हूँ इस वीडियो में, क्योंकि सब घूमना ना पॉसिबल नहीं है सबके लिए। देखो कहाँ की है भैया ये, जयपुर राजस्थान, जयपुर राजस्थान। यहाँ पे काउंटर लिखा हुआ है रूपजा का, तो देखते हैं चेक करते हैं रूपजा। ये दूसरा फ्लेवर कौन सा, ये आ गया रूपजा का फ्लेवर, देखते हैं टेस्ट करके। यहाँ पे एक स्टॉल लगा हुआ है, ये देखो आप कौन सा पी रहे हो, लेमन सही है, आप सही है, रूपजा सही है, स्वीट है। तो ये रूपजा और लेमन है, लेमन अंकल पी रहे हैं और मैं रूपजा पी रहा हूँ, आपको सही लगा टेस्ट, ठीक है। हाँ रूपजा अच्छा है, रूपजा की बात ही लगा है, रूपजा टेस्ट अच्छा है। ये कहाँ का है, ये राजस्थान। और यहाँ पे जितने भी आप ब्रांड्स देख रहे हो ना, रिलैक्सो हो गया, ये सारे जो लगे हुए हैं, स्पार्क्स हो गया, एडिडास हो गया, सब पे ना सेल लगी हुई है, यहाँ पे काफी डिस्काउंट है, वुडलैंड हो गया 50%। तो हम लोगों ने यहाँ पे ना मॉर्निंग में एंट्री ली थी 10-11 बजे के आसपास, और अब इवनिंग के ना टाइम हो चुका है, 4 बज चुकी है, और ये जो है वो ट्रेड फेयर 7:30 बजे तक है। बट यार जितना मर्जी टाइम लगा लो आप थक जाओगे, बट पूरा नहीं घूम पाओगे। तो आप भी आ सकते हो 27 तक, ये लगा हुआ टाइमिंग है सुबह 10 बजे लेकर रात को 7:30-8 बजे तक। तो आप भी आ सकते हो वर्ल्ड के सबसे बड़े ट्रेड फेयर को देखने के लिए दिल्ली में। तो खाते पीते और चलते फिरते इस तरह बढ़िया बढ़िया वीडियो आपको दिखाते हुए मिलते हैं नेक्स्ट शो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।